भी आप आए ना सियालकोट तो ज़रूर सिटी हाउसिंग सियालकोट में इधर आ गए ना वाटरफॉलिंग जरूर है बहुत ही इंजॉय करें बहुत मज़ा आता पूरा दुबई वाला सीन है पूरा दुबई वाला बहुत मज़ा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो क्या हाल आपका, ठीक ठाक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल तो पूरा दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ, ड्रिप्स लगी हैं, इंजेक्शन मेडिसिन खा रहा हूँ, कोई आराम नहीं लग रहा। चांद रात से ही मेरी तबीयत ख़राब है और कल रात तो मुझे इतना ज़्यादा सांस का प्रॉब्लम हो रहा था, इतना ज़्यादा, और सारी रात तो मैं सोया, एक मिनट में नहीं सोया। कल भी सारा दिन हॉस्पिटल था, कल ब्लॉग भी नहीं बना सका। तो आज कल भी सारी रात में सोया मैं, आज फिर डॉक्टर के पास जाने लगा मैं। पहले डॉक्टर के पास गया, उसने कहा था मेदे में और आपकी जो नाली वेन है इसमें सूजन वगैरह हो गई है, तो इस वजह से ये पेन है, इस पूरे सांस का प्रॉब्लम भी हो रहा है। पर रात तो मैं सोया नहीं आया, तो अभी मैं जाने लगा डॉक्टर के पास, तो मिलते हैं जाके। पर मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि ना मुझे सेहत दे, मिलते हैं फिर जाके। और आज सोच रहा हूँ अगर तबीयत ठीक हुई तो कहीं जाएंगे, कुछ खाना पीना तो नहीं, कहीं जाएंगे मूड फ्रेश करेंगे जाके। तो आज उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? ओके। A few inches later. हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से आया तो टेस्ट वगैरह किया, वहाँ भी ड्रिप लगी है, तो कुछ भाई ने टेस्ट वगैरह करवाया है। तो बाकी उन्होंने कहा है कि पीला यार कान हो गया और मैदे में, और हीट में, मैदे में है हीट, और जिगर का अभी टेस्ट करवाया, वो आएंगे टेस्ट। तो गले में सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो सारी जो सूजन वगैरह होगी ना, इस वजह से हो रही है, वॉमिटिंग की वजह से ना, शायद वो पक गया या बस ये भी है, पता नहीं। अभी बताएंगे जब रिपोर्ट वगैरह आएगी। तो उन्होंने कनोला वगैरह लगा दिया, तो अभी मैंने रेडी हुआ हूँ, टेस्ट वगैरह करके रेडी हुआ हूँ, मेडिसिन खाई है। तो अभी चलते हैं कहीं, देखते हैं कहाँ जाना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, घर वाले जाने भी नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि नहीं जाना, हालत देखो अपनी ठीक नहीं हो, ये है वो है। फिर भी मैंने कहा नहीं, अपने ब्लॉग तो बनाने हैं ना, अब ब्लॉग नहीं कहते तो कुछ भी करना ना, इसलिए मैं जाने लगा हूँ। तो बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, ये देखें ना, कनोला लगा दिया। आज है, आज हम इंजॉय कर लेते हैं, कल का पता नहीं है, कल हो या ना हो। चलें चलते हैं, मिलते हैं कहीं जाके। मैं तो आ गया हूँ बस उनके घर, तो सुन अभी आ नहीं रहा यार। सुन आ जा यार, क्या कर रहे, ओए सुन, 10 मिनट हो गया उसका वेट कर रहा हूँ, अभी मैं बीमार बंदा हूँ, फिर भी उसे ज़रा मेरा एहसास नहीं है कि मैं आ जाऊँ जल्दी। ओए आ जा, आधा घंटा हो गया है। वाह, आज तो बड़ा मम्मी डैडी बच्चा लग रहा है, हमारी तरफ देखना, बड़ा मम्मी डैडी बच्चा लग रहा है आज तो। चल बैठ, ड्राइव कर, तो चले हैं कहीं, चलते हैं। अभी डिसाइड तो नहीं हुआ कहाँ जाना है, कहीं सोचते हैं और जाते जाते देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। चले मिलते हैं, ओके। हाँ जी, तो हम आ गए हैं सिटी हाउसिंग, कहीं दूर वगैरह तो नहीं गए, क्योंकि तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, तो कहीं दूर जाने का सोचे नहीं है, ये घर के पास ही था, तो इधर आ गए हैं, इतनी जल्दी आ गए हैं। देखें सिटी हाउसिंग आए हैं अभी, अभी इधर सीन जो है ना बहुत ही मज़े वाला बना हुआ है। तू बड़ा मम्मी डैडी आज बच्चा लग रहा है। तो अभी आपको इधर से घुमाते हैं, थोड़ा घूम के आगे ज़ू है, ज़ू देखते हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या सीन करना है क्या नहीं। अभी जो सीन है ना इधर, तो बस तक फिरल्ला, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। हमारी फैमिलीज आई हुई हैं, ज़रा ध्यान से, ठीक है ना, इधर पंगा पुंगा नहीं लेना है। इधर आगे ये ज़ू बने हुए हैं, जानवर वगैरह हैं, एनिमल्स हैं, दिखाता हूँ अभी आपको आगे जाके। ये हमारे फैंस मिल गए हैं, देखें ये सारे फैंस ही हमारे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? ईद मुबारक। खैर मुबारक भाई, और सब खैर है? ईद मुबारक। प्रयास नहीं आया? इधर क्या है, ईद मुबारक, ठीक ठाक भाई, तू सुना? बड़ा गर्म दुआ। ये हमारे सारे फैंस ही हैं, हमें मिल गए हैं, ठीक है, कैसे हो आप सब? ईद मुबारक सबको। व्यास किधर गया है? घर चला गया। आप किधर घूमोगे? घोड़ी शुंडी ला रहे हो, तुम तो ला रहे हो रज के, मजेदार पूरी चासा आ रही है। चलो सानू भी करवाओ, इतने आयो ना, चलिए
खाना पीना कोई भी नहीं है। ताड़ी मेहरबानी, शुक्रिया बहुत ज़्यादा। अच्छा तो ये क्या है? ये रेडी है 12 सिंह, चेक करें आप। ये कहाँ से आए हुए हैं? न्यूजीलैंड। हाँ जी, तो ये देखें, ये मैं आया हूँ, वाइट टाइगर। ये चेक करें, आ जाए घर चलें। इधर क्या कर रहा है ये? क्या यार, वो एक और है, वो है, नज़र आ रहा है। ये कहाँ कहाँ भाई? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। चलें आगे चलते हैं। आगे क्या है? बहुत ही ज़्यादा रश है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। चेक करें भाई, वो उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे। मिली जान की तोती, छोटी 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 छोटे। मुझे चेक कर, उसके पास भी आएगा, वो चेक करें, छोटे छोटे। आगे चलो, वो ये कितना बड़ा है सर, ये छोटा छोटा नहीं है। ये मेरी तरह बहादुर है, ये मैं इनकी तरह बहादुर हूँ हैं, जो मैं इतना बीमार हो के फिर भी मैं इधर आ गया घूमने। ओ तू किधर गया था? हो गया, इधर कहाँ आ गया तू? ये कर क्या रहा है तू? वो चेक कर, और साथ कौन है? हमजा? ओ नहीं, नाम ही लेना था, सॉरी। इधर क्या कर रहा है तू? जा, तुझे बुला रहा है, जा उसके पास मिला। चेक करें, ऐसा ना रबता करें, दो तीन घर ले जाएं, ठीक है? अच्छा तो इधर लाइन है, ये देखें लाइन से, ये सूट है, इसने नशा किया हुआ शायद, उसकी जुबान तो देखो, ये भूख है, वो बैक हो, ये भूख है ना अनास। क्या कह रहा था तूने? इसे इसके ही से कर तूने खाना खा दिया? ईद का गोश्त सारा तू इसके चुरा के अपने घर ले गया लगता है, यही बात है ना, इसलिए वो भूखा रह गया बेचारा। ये चेक करने कितना बड़ा है, ये भी जोया हुआ, मुझे तो ये रोबोट ही लग रहे हैं। नहीं ऐसी ऐसी मूवमेंट है उस्ताद जी, कुत्ते ने डंग किया है। कुत्ते ने डंग किया जी, उठिया नहीं है, बहु बहु कर, बुला अपने भाई को, जब मैं ही हूं अंदर, शेर मैं हुआ। नवा की भाओगे? वो तो चलिए वाटर डांसिंग होना ना आज। कितने बजे? 8 बजे, 8-9 बजे, 8-9 बजे, तो तब तक अभी क्या टाइम हो रहा है? मेरी तो घड़ी बंद है। हाँ तो 7 बज रहे हैं, 7-1, एक घंटा भी है। चलिए एक घंटा हम इंजॉय वगैरह करते हैं। तो खाना पीना क्या आपने? मैंने तो कुछ नहीं खाना, नहीं खाना। चलें फिर आए, घूमते हैं, तो उसके बाद वाटर डांसिंग में मिलते हैं आपके, ठीक है? तब तक के लिए कुछ भी नहीं, बस हम घूमते फिरते हैं, थोड़ी सैर वगैरह करते हैं, इंजॉय वगैरह करते हैं। हाँ सन भाई, तू कुछ खाएगा? नहीं, दोस्तों को साले अपने फैंस को, वो उधर ही रह गए हैं। 2000 years later। हाँ तो कैसा भाई, हम आ गए वाटर फॉलिंग में, तो अभी ये स्टार्ट हुआ है थोड़ा थोड़ा ही, अभी स्टार्ट होगा सही से, सॉन्ग वगैरह पे डांस करेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी कुछ इतना खास नहीं, शॉर्ट वगैरह चढ़ रहे हैं, तो अभी 7:30 का टाइम है, तो बाद में देखने कितना माहौल होगा। आप देख सकते हैं लाइटें वगैरह बंद की हुई ना इन्होंने, ताकि जो इसका व्यू है वो अच्छा आए, ये लाइट वगैरह अच्छी नज़र आए। तो आप देख सकते हैं यार क्या माहौल है यार, दुबई वाला पूरा इन्होंने सीन बनाया हुआ है। आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिए सियालकोट में, और ये देखना मत भूलिएगा, ठीक है? चेक करें आप, मुझे डर इस बात का है बस कि कहीं मेरी रात निकल जाए, मेरी कितनी भी पास तो वो मत कहीं मेरे हाथों से बात निकल जाए। मैसेज में जो दे तू इजाजत, सफर में करने लगा बकावत, सुनते हैं साले पर आके है आवाज, लगता है होने वाली है कयामत। मत के लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी।
जन्म मिला तुमको मन भी सोचा था जैसा आया नजर हाँ तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। जब भी आप आए ना सियालकोट तो ज़रूर सिटी हाउसिंग सियालकोट में इधर आ जाना, वाटरफॉल में जरूर देखना, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा। पूरा दुबई वाला सीन है, पूरा दुबई वाला, बहुत मज़ा आ रहा है, चेक कर। वाह यार कैसा लग रहा है, आप बताओ कैसा फील हो रहा है, और आपको मजा आ गया ना? सर आप बताएं आपको कितना कितना मजा आ रहा है, बताएं। डांस करने को दिल कर रहा है पर डांस आता नहीं है। सर आप बताएं। हाँ जी तो हम आ गए सिटी हाउसिंग दूसरी साइड पे, तो अभी इधर आगे ब्लॉग का करते हैं एंड। ये गोरों वाली साइड है, यहाँ से भी एंट्री होती है और दूसरी साइड से भी होती है, और यहाँ हम ब्लॉग का करते हैं एंड। तो बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा आपको, कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, इतनी ज़्यादा ख़राब है मैं, फिर भी आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया मैंने, आप लोगों की खुशी के लिए। आप लोग देखें इंजॉय करें, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरे लिए दुआ। हाँ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना वो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब तक अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। तो ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।